एक व्यक्ति जिसने आज से 1500 वर्ष पहले ही बता दिया था कि मंगलवार पर है पानी। भारत विज्ञान की धरती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि विज्ञान पर गहरे शोध किया करते थे और उनमें से नई नई चीजें खोजा करते थे। ऐसे ही हमारे भारत के प्राचीन विद्वान थे वराहमिहिर। मंगलवार पर पानी खोजने का प्रयास बहुत से विदेशी वैज्ञानिक और संस्थाएं कर रही हैं और उन्होंने इस पर मुहर भी लगा दी जब नासा के एक रोवर ने मंगलवार पर पानी को बर्फ के रूप में खोज निकाला। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा और यूरोपियन एजेंसी से भी कई हजार साल पहले भारत के एक सामान्य व्यक्ति ने मंगलवार पर पानी और ग्रेविटी की खोज कर दी थी। पर क्या आप जानते हैं ये दावा भारत में 1500 साल पहले एक ज्ञानी कर चुका है। ऐसा दावा करने वाले थे गणितज्ञ और खगोलज्ञ वराहमिहिर। उन्होंने अपनी किताब सूर्य सिद्धांत में अपने विज्ञान, नक्षत्र विद्या, अध्यात्म, गणित के ज्ञान का मिश्रण कर ऐसी चीजों का वर्णन 1500 साल पहले कर दिया था जिन्हें आज बड़ी बड़ी संस्थाएं गहन खोज के बाद जान पाई हैं। मंगलवार ग्रह पर पानी होने का दावा उनके द्वारा किए गए आविष्कार और खोज में से एक है। श्रुत वराहमिहिर उज्जैन के छोटे से गाँव कपिथा में जन्मे थे। उनके पिता आदित्यदास सूर्य देव के उपासक थे। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और ज्योतिष विद्या में रुचि थी। इसका एक कारण ये था कि वे अपनी किशोरावस्था में ही आर्यभट्ट से मिलकर उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो गए थे। आज के विज्ञान के अनुसार सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। वराहमिहिर ने ये भी पहले ही लिख दिया था। विज्ञान के इतिहास में वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने दावा किया था कि कोई फोर्स शक्ति है जो इंसान को धरती पर टिकाए है। मसलन आज इस ग्रेविटी की रचना का श्रेय हम अल्बर्ट आइंस्टीन को देते हैं। वह काफी सालों पहले भारतीय ज्ञानी वराहमिहिर की किताब में लिखी गई थी। मंगलवार ग्रह के व्यास डायमीटर का भी करीब करीब अनुमान वराहमिहिर की लेखनी में है। वराहमिहिर की रचना सूर्य सिद्धांत और उनकी लेखनी को देश विदेश के वैज्ञानिकों ने आदर्श माना है। नासा के मंगलवार गृह अभियान में कार्यरत रहे अधिकारी अरुण उपाध्याय ने भी वराहमिहिर की खोज और नासा की खोज पर तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि वराहमिहिर के 1500 साल पहले के दावे और आज के विज्ञान की फाइंडिंग्स में बहुत सी समानताएं हैं। सोचिए कि जिस विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की खोज के लिए आज की सरकारें इतना पैसा लगाती हैं, उपकरण बनाती हैं, उनका सटीक विश्लेषण वराहमिहिर ने बिना संसाधनों के कैसे किया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वराहमिहिर द्वारा लिखित किताब सूर्य सिद्धांत कहीं गुम हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ को चोरी कर लिया गया था। उसके बाद अनेक विद्वानों ने मिलकर सूर्य सिद्धांत को पुनः लिपिबद्ध कर उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम किया। अब यह पुस्तक पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में उपलब्ध है।